आज उत्तराखंड में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। सात दिसंबर को गोरखपुर जाएंगे पीएम मोदी, 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। ओमिक्रॉन को लेकर पश्चिम बंगाल में अलर्ट, हाई रिस्क देशों से लौटे लोग 7 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। आज सिंह बॉर्डर पर 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। पहले संक्रमित तो हो चुके लोगों में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा, स्टडी में हुआ खुलासा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा के प्रेम साधना पैलेस में ब्राह्मण रथ अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 351 ब्राह्मणों को पैर धोकर भाजपा विधायक धीरज ओझा ने सम्मानित किया। इस दौरान ब्राह्मणों के चेहरे पर खुशी देखी गई। वहीं विधायक धीरज ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, जब रानीगंज विधानसभा में 351 ब्राह्मणों को सम्मान दिया जा रहा है। रानीगंज विधानसभा में पहली बार ये कार्यक्रम ब्राह्मणों को लेकर किया गया है। अंग वस्त्र देकर और जो कथा सुनाते हैं उन्हें आशमी देकर सम्मानित किया गया। ऐतिहासिक दिन है, आज हमने जो है लगभग 350 ब्राह्मणों का सम्मान किया। ये पहली बार हमारे विधानसभा में हुआ है। उनको हम लोग ने पूरा जो उनके झोला दिया, सत्यनारायण की कथा जो सुनाते हैं, आचमनी दिया, उनको मैं पत्रा दिया और उनको गमछा दिया और कंबल देने का काम किया गया और दक्षिणा भी इसलिए किया गया कि सनातन धर्म हमारा जीवित रहे। सनातन धर्म के लिए हम लोग ने बहुत काम किया है, हमारी सरकार भी काम, मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ। जैसे बराही देवी और रावण को दगाने का काम यहाँ पर मिर्जापुर चौहारी में हुआ है और 14 मंदिरों का विकास यहाँ, तो सनातन धर्म हमारा वो रहे आगे। इसके लिए हम लोग ब्राह्मण ही उसमें ज़्यादा, चाहे हमारे यहाँ जब भी कुछ पड़ता है, चाहे गृह प्रवेश करना पड़ो, चाहे शादी हो, चाहे तिलक हो, कोई भी काम में बिना ब्राह्मण के। बांदा नवाब टैंक में समाजवादी पार्टी ने कैंडल जलाकर किसान स्मृति दिवस मनाया। इस दौरान तिकुनिया कांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सपा नेता सुशील त्रिवेदी समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर किसानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सपाइयों ने इस मामले के दोषी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई। सभी को पता है, आज से 2 महीने पहले लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जिस तरह से सुनियोजित तरीके से गाड़ी चला चढ़ा करके हत्या करने की पूरी साजिश थी और उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बंदे ने आज तक उनके प्रति श्रद्धांजलि तक नहीं दी है, उस मंत्री को बर्खास्त तक नहीं किया गया है। सरकार से हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और आज सच्ची श्रद्धांजलि उन किसानों के लिए यही होगी कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आने वाले हर महीने की 3 तारीख को किसानों को प्रति इसी तरह हम लोग श्रद्धांजलि देंगे ताकि उनकी। मथुरा में ईदगाह मस्जिद पर हिंदूवादी संगठन की जलाभिषेक और दीप जलाने की घोषणा से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च भी किया और मथुरा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। इस दौरान लोगों ने बताया कि मथुरा एक शांति प्रिय नगरी है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम बहुत ही सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं। यह टोटल चुनावी साल है और कुछ संगठन अपनी सस्ती लोकप्रियता करने के लिए, हिंदूवादी संगठन कुछ ऐसे हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी अफवाहों के सहारे वो अपने सोशल मीडिया में चेहरा चमका रहे हैं। और मैं व्यापारी समाज से यही अपील करूंगा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना देके, और क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी काम करते हैं जो वर्कर है अधिकतर, तो मथुरा एक ऐसी
धर्म की नगरी है जहाँ देश विदेश से टूरिस्ट भी आते हैं और इन अफवाहों का असर जो टूरिस्ट है उन पर पड़ता है, जो यात्री आते हैं उन पर भी असर पड़ता है। तो मैं तो सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। देखिए, विगत कुछ दिनों से सुरक्षा का भाव जगाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ स्थानीय जनता के साथ संपर्क बनाया हुआ है, सिक्योरिटी को भी सुदृढ़ किया गया है और लगातार हमें यहाँ की जनता का सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अच्छा सहयोग पुलिस और प्रशासन के साथ यहाँ की जनता कर रही है। आज जो फ्राइडे की नमाज होती है वो अभी सकुशल संपन्न हुई है, सभी जगह से सकुशल संपन्न हुई है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे प्रबंध किए गए थे और कोई ऐसी बात नहीं। 6 दिसंबर का कुछ संगठनों ने कुछ आयोजन करने का जो विचार रखा था, उसके बाद प्रशासन ने और शासक ने दोनों ने उनको कोई अनुमति नहीं दी, जो अनुमति उन्होंने मांगी थी वो निरस्त कर दी गई। उन संगठनों द्वारा भी इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। समाज के अंदर सबसे बड़ी बात है शांति बनी रहे। 6 दिसंबर को ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने से अपने संगठन के आदमियों को, दूसरे धर्म के लोगों को भी यही बात कही कि कुछ संगठन में कुछ नहीं होने वाला, किसी संगठन ने भी कोई इसमें जिम्मेदारी वाला कोई वक्तव्य नहीं दिया है। 6 दिसंबर के लिए DMSP ने दौरा करा, वहाँ पर शांति बनाने के लिए फोर्स लगा दी गई है और इन्होंने कोई अनुमति भी नहीं दी है। हाँ, ये अफवाह भी कह लो और कुछ राजनीति तो ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जीवन दीप जुड़ चुके हैं मथुरा से। जीवन दीप, हिंदुवादी संगठन की जलाभिषेक और दीप जलाने की घोषणा के बाद कैसा माहौल है मथुरा में? मैं आपको बता दूं कि मथुरा में जो अफवाह के रूप में लिया गया, जो भी हिंदुवादी संगठन है जी, उनका कहना ये है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम नियत नहीं है जी, और इतना मथुरा में माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है जी। धारा 144 लगा दी गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सख्ती है? धारा 144 जब से लगी है मथुरा में, प्रशासन ने बहुत सतर्क है, प्रशासन ने बहुत सख्ती बरती हुई है, प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम है जी। जिस तरह से बताया जाता है कि मथुरा एक शांति प्रिय नगरी, हिंदू मुस्लिम सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं, तो क्या धारा 144 की जरूरत है अभी भी? धारा 144 की जरूरत तो है, क्योंकि जो मथुरा के लोग हैं वो वास्तव में सौहार्दपूर्ण लोग हैं, वो शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए, बाहर के लोग आ जाए मथुरा में क्या कर बैठे, अभी इस पर चिंता प्रशासन की बनी हुई है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता जीवन दीप जुड़े थे मथुरा से। गाजीपुर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय सरजू पांडे पार्क में दिव्यांगों ने अपने गले में कफन लटकाकर और हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर धरने पर बैठे दिखे। इस दौरान दिव्यांग ने बताया कि शासन की जन उपयोगी योजना, जिसने दिव्यांगों के लिए कोटा आरक्षित किया गया है, इसके बावजूद उनको किसी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग पिछले कई सालों से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार और प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। मामला यही है सर कि हम कभी भी जो अपने अधिकार को मांगते हैं तो जिले से शासन प्रशासन से यही आदेश मिलता है कि आपका लोगों का अधिकार दिया जाएगा। आख्या मांगने पर कोई जो है कि विचार नहीं किया जाता है, टोल मटोल कर दिया जाता है। इस संबंध में मैंने जो है कि जब भी पत्रक दिया LIO के माध्यम से अवगत कराया कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊँगा, तो जाने से 2 दिन पहले मुझे जो है कि घर पर ही पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है। यह मामला 10-20 बार हो चुका है, इसलिए मैंने योगी सरकार को अपने जो है कि खिलाफ बना करके और भारत सरकार के सम्मान में जो है कि दिल्ली गया था, लेकिन वहाँ से हमको पुलिस प्रशासन ने UP की ज़बरदस्ती जो है कि हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ लाई है। और अभी समस्या यह है कि हमारे DM साहब हम लोगों की समस्या का पर कोई विचार नहीं किए, नहीं तो SP साहब आए हुए हैं। महोदय, मैं अपने भारत सरकार यह कफन ओढ़ा हूँ कि हमारे भारत सरकार का जो भी नियम और कानून बनाया गया है उसके संविधान के अंतर्गत हमको कोई जो है कि सम्मान नहीं मिलता है।
हर जगह जो है कि विफल है। हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, हमारा अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। मामला हमारा ये है कि जो भी कल्याणकारी योजना है राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, हम दिव्यांगजनों के लिए, वो हमें मिलती नहीं है। जब भी आते हैं जिला पर चाहे ब्लॉक पर या तहसील पर, तो कोई भी अधिकारी जिससे मुलाकात हमारी होती है बस हमें आश्वासन देता है, कोई भी अधिकारी सुनता नहीं है। हार के ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी महोदय के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं नहीं आपको देंगे देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं, खाली कहते हैं कि मिलेगा, काम चल रहा है, काम प्रोग्रेस में है। धरना क्यों किया है? धरना हम लोगों ने यहाँ के लिए नहीं किया था, हम लोग दिल्ली गए हुए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कि अपना दुखड़ा अब वहीं पर रोएंगे। प्रबंधक जी हमारे साथ हैं, हमारे जन कल्याण विकलांग सेवा समिति एवं सर्व समाज विकास मंच के प्रबंधक। आप लोगों ने कफन भी पहना हुआ है? जी जी। कफन पहनने का क्या मतलब है? इसीलिए कफन पहन के हम लोग यहाँ पर लेटे हैं, कम से कम इतना दुर्दशा हमारी देख के तो कम से कम दया आएगा डीएम साहब को या किसी भी विभाग के अधिकारी को। वही अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर 5 बिजली घरों से जुड़े 31 उपभोक्ताओं के बिलों से 47 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें अधिशासी अभियंता ने ग्रामीण की आईडी से बिलों को ओटीएस योजना में समाहित किया और उपभोक्ताओं को जमा बिल की रसीद भी जारी कर दी, जबकि ये धनराशि विभाग के खाते में नहीं पहुंची तो उपभोक्ताओं के नाम फिर से बिल भेजकर उनके कनेक्शन काट दिए गए थे। इस मामले में एक संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और जांच कमेटी बनाई गई है। मामले की अभी जांच चल रही है, जांच में अधिशासी अभियंता ग्रामीण गुरुचरण लाल भटनागर को विभागीय दायित्व और आईडी के संचालन में लापरवाही का दोषी पाया गया है, साथ ही अपना पक्ष नहीं रखने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विद्युत वितरण खंड तृतीय में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कुछ उपभोक्ताओं के बिलों में हेराफेरी की गई थी, उनका धन अवैध रूप से घटा दिया गया, जिसको अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय द्वारा स्वयं संज्ञान में लाकर विधिक कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में इसकी जांच चल रही है। हमारे साथ संवाददाता मुनीश मिश्रा जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। मुनीश, क्या है पूरा मामला, कंप्यूटर ऑपरेटर की किस तरह से लापरवाही सामने आई है? जी, आपको बता दें मैनपुरी जनपद में ये 47 लाख का ये जो घोटाला हुआ है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है कि जो लोग ओटीसी कटाते थे या बिल जमा कर देते तो वो चढ़ता नहीं था जी, तो इसी प्रकार ये गड़बड़ी हुई है। हालांकि जो है जो अवर अभियंता है उन्होंने कार्रवाई की है और लोगों को ये सांत्वना भी दी है, जो भी हुआ है आपके साथ में वो आपका रिटर्न होगा और न्यायपूर्वक जांच की जाएगी। जिस तरह से लोगों के घर की बिजली काट दी गई है उस पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, ये तो शासन का निर्देश है कि जो बड़े बकायादार हैं उनका बिजली काटने का वो तो ऊपर से ही है जी, और जो इस लापरवाही के चलते जिनकी बिजली काटी गई है तो क्या उनकी बिजली फिर से लगा दी गई है? नहीं, अभी नहीं लगाई है अभी, लेकिन जो है आज बात हुई थी सुबह मेरी तो बोल रहे थे न्याय किया जाएगा, जो भी उनके साथ गलत हुआ है उनको जो है संतुष्ट किया जाएगा जी, और जो बिजली कटी हुई है उसको जोड़ा जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ मुनीश मिश्रा मैनपुरी से संवाददाता जुड़े थे। और अयोध्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। आगरा की महिला स्वास्थ्य कर्मी ने आत्महत्या के कारण 2 मिनट का मौन रखा। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला महामंत्री डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सारी मांगे जायज है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौरान जिनको कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किया जाता था उन्हीं के साथ शोषण हो रहा है। तो स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिन लोगों की भी मृत्यु हो गई थी उनके लिए मौन रखा गया है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखा, स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है। औरैया से ये खबर सामने आ रही है, जहां औरैया में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। आगरा की महिला स्वास्थ्य कर्मी ने आत्महत्या के कारण 2 मिनट का मौन रखा गया। CSC अरवा कटराम धरना लिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस धरने का? ये प्रदेशव्यापी धरना है, हमारा पूरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा संघ पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक पे धरना दे रहा है। इसमें हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें
सारी मांगे जायज हैं। आपने देखा होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कोविड के दौरान जिनको कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किया जाता था, आप लोग भी सम्मानित करते थे, आज उन्हीं के साथ शोषण हो रहा है। उनको कहा गया था कि उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनका वेतनमान नियत किया जाएगा। हम लोग संविदा कर्मी हैं, आधे वेतन में, वही जो परमानेंट पे है उसको दूना तीन गुना वेतन मिलता है। हम लोग भी ये उम्मीद करते थे सरकार से कि सम्मानजनक वेतन, अब जैसे हमारी ANM मंडी है, उनको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलता है, उनकी सुबह 9 से 6 ड्यूटी कोविड वैक्सीनेशन में, कोविड सैंपलिंग में, इसी तरीके से आशा बहुएँ हैं, इनका कोई मानदेय फिक्स नहीं है, 2000 आ जाएँ, 3000 आ जाएँ। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, इनका जो पूरा प्रदेश व्यापी संगठन है, उसके आह्वान पर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक CSC और BSC पर जो भी आशा बहुएँ, NM व विभिन्न पदों पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, उनकी कुछ सरकार से मांगे हैं, जो कि 7 सूत्री ज्ञापन, मांगों का ज्ञापन है इनका, वो आज इन्होंने सरकार को संबोधित हमारे द्वारा दिया है। हम ये ज्ञापन इनका आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं, हम ऐसी आशा सरकार से भी रखेंगे और पूरी कोशिश होगी सरकार की कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो अभी पूरी हों। और एक जो बहन अपनी इनको स्थानांतरण को लेके कल, जैसा कि अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि भी हम सभी ने उनको अर्पित की है, एक बहन अपने स्थानांतरण को लेके जिसने कल डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया है, उस बहन को हम सभी ने यहाँ पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है, और इनकी जो स्थानांतरण संबंधी समस्या है वो भी सरकार माने, और जो भी जायज़ मांगे हैं वो भी मांग की पूरी की जाए, मांगे, ऐसा हम आदरणीय विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक रिक्शा चालक और बाइक सवारों के बीच दो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई। दो बाइक सवार और एक रिक्शा चालक के बीच सड़क पर लात घूसों से मारपीट हुई है। इस दौरान मौके पर खड़ी हुई जनता मूक दर्शक बनी रही, जबकि सबके सामने हुई मारपीट में एक बाइक सवार युवक लहूलुहान हो गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पुलिसकर्मी भी मौजूद है, इसके बावजूद भी दोनों में जमकर पिटाई हो रही है, लहूलुहान हो गया युवक, बावजूद इसके जनता मूक दर्शक बनी रही। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।